धारा 144 लागू होने के बाद भी सड़क पर उतरे विरोध प्रदर्शन करने के लिए हुई सख्त कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई के साथ धारा 144 के उल्लंघन करने वाले 40 लोगों के नामजद हुए हैं मुकदमे दर्ज। वहीं 200 से ऊपर लोगों के अज्ञात में धारा 144 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। नहीं चलेगा मनमानी, लोगों को एकजुट करने वालों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। निशाने पर बनी सोशल नेटवर्क जो व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के मदद से अफवाह फैलाने वाले लोगों का आया सामने चेहरा। वो लोग जो सोशल नेटवर्क से जनपद में झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उन लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। सराज नगर क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन किया गया है, इसके संबंध में क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, जनपद गोंडा में धारा 144 लागू है। इस संबंध में आज कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धारा 144 के उल्लंघन के चलते कुछ लोगों के ऊपर लगभग 40 लोग नामजद और 200 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन के लिए मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी उससे आपको अवगत करवाएंगे। इस संबंध में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें जिन लोगों द्वारा भीड़ को एकत्रित करने की या इस तरीके के प्रयास किया गया, उनके खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी और अन्य सख्त धाराओं में भी मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास अन्य कई माध्यमों से कुछ नंबर्स आ रहे हैं जिनके द्वारा सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स और अन्य ग्रुप से लोगों को इकट्ठा होने के लिए, एकत्रित करने के लिए प्रयास किया जा रहा था। उन सब नंबरों की गहनता से जाँच करके उनके खिलाफ भी एक IT एक्ट का मुकदमा लिखा जाएगा। सर, नागरिक संशोधन अधिनियम के परिप्रेक्ष्य से आपसी सौहार्द कायम रखने के संबंध में जनपदवासियों से आपकी क्या अपील है? जनपद गोंडा के सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि जनपद गोंडा में अमन चैन बनाए रखने में पुलिस की मदद करें और इसके साथ साथ अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह की अफवाहें ना फैलाई जाए।